नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी परमार और आपके लिए लेके आया हूं और एक नई वीडियो। ये इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो आप देख सकते हैं एक पेड़ है छोटा सा बरही डेट्स का, उसका जो एक ऑफशूट है इसको जो रूट डेवलप के लिए जो बांधा जाता है उसका रूट डेवलप करने के लिए, तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पर जो है काम इसका चल रहा है। ये पूरे वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि देखिए, आपने प्लांटिंग किया है तो उसमें डेफिनेटली 99% यही होता है कि 3 से 4 साल में इस प्रकार से आपको भी, और एक यहाँ पर भी पेड़ है आप देख सकते हैं कि जिसमें 2 ऑफशूट है, तो ऐसा आपके फार्म पर भी हो सकता है, क्योंकि हर एक पेड़ में आई थिंक 99% पेड़ में यही होता है कि 3-4 साल में उसके जो ऑफशूट है वो भी पेड़ के साथ साथ ग्रो करने लगते हैं। तो उसको अगर हम ग्रो उसके रूट डेवलप करके फिर अलग जगह पे हम लोग उसका प्लांटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए उसके जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको ये जो सारी नॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो कि ये जो ऑफशूट बांधने के एक्सपर्ट है, देखिए इनके जो टूल्स है आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसके जो टूल है वो किस तरीके से यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक पेड़ है इसमें अभी 3 ऑफशूट है जिसको नीचे से सफाई करके अभी ये जो भाई साहब है उसको आगे की जो प्रोसेस है वो अभी शुरू कर रहे हैं। देखिए ये अभी आई थिंक 4 से 5 साल का पेड़ है, उसका जो मादा पेड़ है और उसके साथ जो ये ऑफशूट है वो अटैच है, बट उसको किस तरीके से अभी उसको साफ करके फिर जो को आगे की प्रोसेस है वो वीडियो आप पूरा देखिए, आपको सारा नॉलेज इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि उसका जो मादा के साथ जो अटैच था उसका जो लीव्स का ये कचरा है उसको साफ कर करके फिर नीचे तक ऐसे सफाई की जा रही है अभी। ये देखिए, जिससे वो एक मेरे वीडियो में आपको दिखाया था कि जो थॉर्नस रिमूविंग का जो टूल है उसको यहाँ पे यूज़ करके ये देखिए किस तरीके से साफ किया जा रहा है ऑफशूट को। ये देखिए उसका जो मदर प्लांट है उसका भी रूट नीचे से आपको दिख रहा होगा, वो एकदम नीचे तक इसको साफ किया गया है, ठीक है ऐसे ही। अब जो उसकी आगे की प्रोसेस है वो भी आप देखिए, ये लोग जो है सिंपल सा एक पॉली बैग अभी यूज़ कर रहे हैं जो कि सीमेंट का है, वो धो के फिर इसको रीयूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरा ये थोड़ा आता भी मजबूत है जिसकी वजह से कितना भी टाइम इसको यहाँ पे बांधे रखने पर भी ये फटता नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसको,
देखिए किस तरीके से इसको लगाया जा रहा है अभी। ये देखिए इसकी सिलाई हो गई है एकदम, इसको नीचे एकदम बिठा के फिर इसमें अभी मिट्टी अभी भरी जाएगी इसमें। ये देखिए मिट्टी को अच्छे से प्रेस करके उसको नीचे तक दबा दिया जाता है ताकि जब इसके रूट डेवलप होंगे तो उसको कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए एक लकड़ी के सहारे उसको प्रेस किया जाता है मिट्टी को। वैसे तो ये एकदम सिंपल ट्रिक है बट आप अच्छे से ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। और ये देखिए एक भाई साहब है वो अभी पानी की जो छोटी नीटल है उसका कनेक्शन दे रहे हैं अभी। ये देखिए पास में ही जो ड्रिप का कनेक्शन है उसमें ये जो छोटी नीटल है उसको अटैच करके यहाँ पे अंदर इसको ऐसे रख दिया जाता है। फिर जब भी हम लोग बड़े पेड़ में जब इरिगेशन स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा ऑफशूट है उसको भी पानी बढ़िया से मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ी हम इन भाई साहब से भी बात करते हैं या आगे कुछ जानकारी लेते हैं हम इनसे। तो भैया पहले हमारे व्यूवर्स को आपका नाम बताइए। अब मेरा नाम है राकेश भाई, हम ये धंधा जो काम करते हैं हाँ आप ये खारेक का तो नया पौधा बनाते हैं इसको छोल के अच्छी तरह हाँ और वो थैली भी बांधते हैं फिर अंदर माटी डाल देते हैं फिर ग्रो हो जाएगा। उसकी मतलब इसमें क्या कुछ गारंटी आप ले सकते हो कि इसको हमने अभी इसमें बांधा है ये पॉलीथीन में माटी भर के फिर उसका पानी भी शुरू कर दिया है तो उसमें वो सक्सेस ही हो जाएगा 100%? सक्सेस तो हो जाएगा, क्या है फिर कि इसमें जो कोई इसके ज़मीन में डालने के बाद पानी वानी नहीं दिया तो उसके बाद सूख भी जाता है। अच्छा हाँ पानी और खाद में या तो फिर दवाई में ध्यान नहीं दिया तो कोई 1% कोई सूख सकता है। सूख सकता है मतलब 99% वो ग्रो हो जाएगा उसकी गारंटी है मतलब। तो किस टाइप से उसको नीचे से पहले मिट्टी निकाल दी जाती है चलिए देखते हैं। देखिए जब भी हम लोग ये ऑफशूट का रूट डेवलपिंग वाला जो सिस्टम हम लोग काम करें इसमें तभी यहाँ पर पानी देखिए दो ड्रिप लगी हुई है इसकी वजह से यहाँ पे पूरा नर्म है तो खोदने में एकदम आसानी रहती है। ठीक है तो ये देखिए अभी राकेश भाई जो है अभी नीचे से खोद के फिर ये ऑफशूट को अच्छे से साफ कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये जो रूट डेवलप है वो एक पौधे में एक ऑफशूट का अभी बांधने के आफ्टर 5 मंथ यानी 4 से 5 महीने में जो इसका रूट डेवलप है वो 100% हो जाता है फिर उसको हम लोग दूसरी जगह पे उसका प्लांटिंग कर सकते हैं। फिर उसका जो मतलब नष्ट होने का चांस है वो सिर्फ 1% रह जाता है यानी कोई भी अगर बीमारी आ गई है ना या तो फिर उसका रूट ठीक से डेवलप नहीं हुआ या तो थोड़ा कमज़ोर ऑफशूट है
तो तभी वो नेस्ट होगा, सूखेगा, वरना उसका 100% चांस है कि वो दूसरी जगह पे अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देखिए इसके अच्छे से नीचे से सफाई हो गई है। और देखिए जो ऑफशूट जो साफ़ करने वाला जो टूल है वो आप देख सकते हैं कि करीबन 3-3.5 फीट इसकी लंबाई है। और यहाँ पे देखिए जो इसका जो टूल का जो आगे का हिस्सा है एकदम धारदार है, एकदम तेज़ धार वाला, इसको यहाँ से अलग से वेल्डिंग किया हुआ है। तो अगर आप भी ऐसा बनवाना चाहे अपने फार्म के लिए तो ये देखिए आपको मैं क्लियरली ऐसा दिखा देता हूँ इसको। अभी देखिए राकेश भाई इसको साफ़ करने वाले हैं, चलिए ये भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राकेश भाई इसको साफ़ करते हैं। देखिए धीरे धीरे इसको अच्छे से साफ किया जा रहा है। मेन पॉइंट यही है इसका, इसको जैसे ही हम लोग इसको अच्छे से नीचे से साफ करेंगे तो इसका जो रूट डेवलपिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। ये देखिए जो सारा कचरा है उसको रिमूव किया जा रहा है। ऑफशूट जो है वो पूरा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं अभी अपनी मादा से अलग ना हो जाए। बट इसका जो थोड़ा सा नीचे का रूट का इसका हिस्सा होता है यहाँ पर, ये देखिए वो अभी चिपका हुआ है, अटैच है मादा के साथ, यानी इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये भी इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ज़्यादा इसको साफ़ कर दिया या तो ज़्यादा कट लग गए तो फिर ये जो ऑफशूट है वो यहीं पर लगे लगे ही बांधने के 10 से 15 दिन में थोड़ा सूख जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो मेन पॉइंट है मादा से जहाँ पे अटैच है वो उसका कट वहाँ पे ना लग जाए, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो देखिए पूरी वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसके अबाउट कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो ये है अपने नवीन भाई। नवीन भाई जो ग्रुप लीडर है तो उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको कोई भी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नवीन भाई से आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। और मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो गुजरात है मतलब पूरे गुजरात राज्य में ये ऑफशूट का काम करते हैं वो लोग, तो गुजरात से बाहर नहीं करते बट गुजरात में कहीं पर भी ऐसा काम हो तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।